Yes, hello views Welcome back to Name English Club. Uh, I have received your messages, your requests that you were requesting me that, dear sir, you have to make a video on uh, the major difference between uh, will and would. So I am here in order to uh, uh, describe the difference between uh, the use of will and uh, would. So. जो मेजर डिफरेंस होता है वो इस वीडियो में हंड्रेड परसेंट आपको बता दिया जाएगा ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि uh, विल को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है फिर हम वुड को देखेंगे फिर इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर तो सबसे पहले याद रखें will और वुड दोनों को इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर के लिए जब फ्यूचर की बात करनी हो तो इस्तेमाल करते हैं विल और वुड मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अली खेलेगा अली विल प्ले मैं ये भी कह सकता हूं अली वुड प्ले अली खेलेगा लेकिन इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है Will, उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपको हंड्रेड परसेंट श्योरिटी है कि आपने यह काम करना है तो इस्तेमाल करेंगे विल यानी कि कन्फर्मिटी होती है श्योरिटी होती है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है will और वुड उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप फ्यूचर की डिजायर बताते हो ठीक है तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं वुड एक डिफरेंस ये हो गया दूसरा डिफरेंस अपने याद रखना है जो दूसरा डिफरेंस वो ये है कि वुड को हम इस्तेमाल करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मिसाल के तौर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी क्या तुम चाय का कप लोगे तो डेफिनेटली इट्स अ टाइम ऑफ नाइट सो डेफिनेटली मैं लूंगा मतलब ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड इस्तेमाल किया जाता है क्या फर्क बताया मैंने सबसे पहले मैंने बताया कि विल उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको श्योरिटी होती है 100% कि आप फ्यूचर में आपने ये काम करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं विल और वुड इस्तेमाल किया जाता है जब आप फ्यूचर की डिजायर बताते हैं सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं जब आपको श्योरिटी नहीं होती तब इस्तेमाल करते हैं वुड जो थर्ड डिफरेंस है मेजर वो यह है अगर किसी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में होगा तो सेकंड में विल इस्तेमाल नहीं करते मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अली ने कहा मैं उसकी मदद करूंगा अली सेंट पास्ट में हो गया ही विल नहीं आएगा यहां पर यहां पर आएगा ही वुड हेल्प हिम अली ने कहा कि वो उसकी मदद करेगा अली सेट ही वुड हेल्प हिम बात करने का मकसद यह है कि यहां पर ही विल हेल्प हिम नहीं आएगा ही वुड हेल्प हिम जब किसी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में होगा तो सेकंड में वुड इस्तेमाल करेंगे ना के विल क्लियर दोबारा बताता हूं कि आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया फर्स्ट नंबर पे जो मेजर डिफरेंस है विल और वुड में विल उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको श्योरिटी होती है कि आपने यह मुस्तकबिल में काम करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे विल और इसके साथ जो वुड है वो बताता है फ्यूचर डिजायर एक यूजेज ये हो गया डिफरेंस ये हो गया सेकंड मैंने बताया वुड को इस्तेमाल करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ओके वो मैंने चाय वाली एग्जांपल दी थर्ड नंबर जो डिफरेंस बताया कि अगर किसी सेंटेंस जिसके दो पार्ट हो अगर उसका फर्स्ट पार्ट पास्ट में होगा तो सेकंड वाले पार्ट में विल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या करेंगे वर्ड वेरी गुड सो इन ऑर्डर टू सी लॉट ऑफ अदर वीडियोस रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर सो आई एम हियर, यू हैव टू विजिट नईम इंग्लिश क्लब दो में याद रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर इट्स टाइम टू गुड नाइट सो Have a sweet day. Take care.